चलिए आज हम बात करेंगे कैन वॉशर स्ट्रेट थ्रू कैन वॉशर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन, मिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम विलेजेस इन द कैंस इन द बॉट टू द डेरीज और बल्क मिल्क कलेक्शन सेंटर। तो जो मिल्क है जो प्रोड्यूस होता है वो अलग अलग गाँव में, बहुत सारे गाँव में, वो बेसिकली कलेक्शन सेंटर्स पे या तो कैंस में जाता है या फिर टैंकर्स के थ्रू जाता है। ठीक है, तो कैंस हमारी जो इंडियन कंडीशंस हैं वहाँ पर मिल्क कैंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं अगर हम देखें तो, मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एट द डेरीज द कलेक्शन थ्रू द कैंस इज लार्ज इन द क्वांटिटी। द कैंस हैव क्लीन्ड यूजिंग मैकेनिकल मीन्स। इफ द क्वांटिटी इज लेस देन कैन बी डन इन द मैनुअली यूजिंग कैन वॉशिंग थ्रू द मैकेनिकली ऑपरेटेड ब्रश एंड स्ट्रीमिंग ब्लॉक। ओके, तो जब हम कह सकते हैं जब आपके पास कम कैंस का यूटिलाइजेशन होता है किसी भी डेरीज पे, तो उनको वॉशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनुअली एक पर्सन या फिर कोई भी एक आदमी उसे वॉश कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वर्क हो रहा है, कैंस का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो क्या होता है कि कैंस को वॉश करने के लिए हम मैकेनिकल एक सिस्टम को अपग्रेड करते हैं जिसमें हम ब्रशेस के थ्रू और स्टीमिंग ब्लॉक्स के थ्रू से पूरा सैनिटाइज करते हैं। ओके, मैकेनिकल कैन वॉशर अगेन टू टाइप, स्मॉलर कैपेसिटी वंस द रोटरी कैन वॉशर एंड हुज कैपेसिटी इज 3 to 5 कैंस पर मिनट। तो मैकेनिकल कैन वॉशर दो तरीके के होते हैं, एक स्मॉलर साइज में होता है जिसकी कैपेसिटी 3 से 5 कैंस पर मिनट होती है, वाइल लार्ज कैपेसिटी वन स्ट्रेट थ्रू कैन वॉशर हुज कैपेसिटी इज 12 कैंस पर मिनट। तो बड़े कैन वॉशर होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है 12 कैंस पर मिनट के हिसाब से वो वॉश कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग और कैन स्क्रबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैन स्क्रबर इज शोन इन द फिगर एंड डिस्क्राइब बिलो। द स्क्रबर मशीन मेड द 10SWG GI शीट और MS शीट विद टोटली गैल्वनाइज्ड। ये क्या होता है कि ये आपके 10SWG GI शीट होती हैं जो SST या फिर मिक्स्ड स्टील शीट से बनी होती है। द मैकेनिज्म इज पेंटेड विद एपॉक्सी पेंट टू अवॉइड करोजन। ये बेसिकली जंग को रोकने के लिए एक एपॉक्सी पेंट का यूज़ करते हैं हम लोग इस पर। द कैन स्क्रबर कंसिस्ट ऑफ द टैंक इन विच 2 रिवॉल्विंग नायलॉन ब्रशेस एंड माउंटेड ऑन द शाफ्ट। इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है बेसिकली, उसमें 2 शाफ्ट लगी होती है, एक शाफ्ट पर 2 ब्रशेस लगी होती है नायलॉन की, तो हम उससे कैन वॉश करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ द शाफ्ट प्रॉब्ली एनकेज्ड इन द सील्ड एनक्लोजर एंड द प्रोवाइडेड विद द सूटेबल बेयरिंग एंड लुब्रिकेशन पॉइंट। ग्लैंड पैकिंग इज यूज टू अवॉइड द लीकिंग थ्रू द शाफ्ट। ओके, तो जो ग्लैंड पैकिंग होती है हम उसको क्या करते हैं, लीकेज से बचाने के लिए, वाटर की एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम उसे लगाते हैं। अ स्टेशनरी नायलॉन ब्रशेस इज फिटेड इन द ब्रैकेट ऑन द इनर वॉल ऑफ द क्लीनर आउटसाइड द कैंस। ओके, तो जो टब होता है उसके एक वॉल पे अंदर की ओर कुछ नायलॉन के ब्रशेस फिट कर दिए जाते हैं जो कि कैन जो होते हैं हमारे मिल्क कैन उनके बाहरी सरफेस को वो अच्छे से साफ कर सकें। साइड स्टेशनरी ब्रशेस इज चेंजेबल, इट कैन बी फिटेड आइदर साइड ऑफ द इनर वॉल। तो ये बदले जा सकते हैं ये सारे ब्रशेस जो कि आपके साइड में लगे होते हैं। द सिलेंड्रिकल नायलॉन ब्रश रिवॉल्व विद अ लो स्पीड 80 to 100 RPM इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय द मोटर इन द रिडक्शन गियर यूनिट। तो ये क्या होते हैं, इनकी घूमने की जो स्पीड होती है वो 80 से 100 RPM के हिसाब से होती है। और इनकी डायरेक्शन जो होती है वो मोटर की शाफ्ट के घूमने के अपोजिट होती है, गियर बॉक्स के सहारे से हम इसे साइड कर देते हैं। स्टीम एंड वाटर कनेक्शन आर गिवन टू द टैंक इन द मेकिंग ऑफ वार्म वाटर फॉर द वॉशिंग ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, स्टीम और वाटर के कनेक्शन को हम इसे इजीली रखते हैं, बनाए रखने थे ताकि हमें वॉशिंग ऑपरेशन में सारे के सारे कनेक्शन पानी वगैरह हमें मिलता रहे। एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्रेन वॉल्व इज फिटेड टू ईजी ड्रेनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द टैंक। तो वॉशिंग टैंक होता है उसके नीचे एक वॉल्व होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसे नीचे की ओर फिट कर देते हैं ताकि उसमें से ईजिली ड्रेनिंग हमारा जो वाटर है वेस्ट वाटर है वो निकाला जा सके। वॉशिंग ऑपरेशन इज डन बाय द फ्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल
कैंस इज प्री रिंस्ड विद द वार्म वाटर अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोथ फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड देन द कैन इज इंसर्टेड टू द टॉप रोटेटिंग ब्रश द ब्रश ब्रश थ्रू द फॉर्म ऑफ द बोथ साइडेड फॉर द 10 सेकेंड देन कैन इज टेकन आउट द रिंस विद द हॉट वाटर अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल रिंसिंग इज स्टरलाइजेशन इज ड्राइंग फॉर द ऑफ द कैंस आर कैरिड आउट ऑन द स्टीमिंग ब्लॉक. तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहले हम वार्म वाटर जो होता है वल्की से हम प्री रिंस करते हैं वार्म वाटर से जो भी 40 डिग्री पर होता है. देन उसके बाद हम क्या करते हैं उसे ब्रशेस से उसे रोटे उसमें लगा देते हैं और ब्रशेस उसको वॉश करती रहती है. देन उसके बाद हम रिंस्ड करते हैं 60 डिग्री के हॉट वाटर से. देन फाइनल रिंसिंग स्टरलाइजेशन एंड ड्राइंग जो फाइनल स्टरलाइजेशन होता है वो स्टीम ब्लॉक्स के थ्रू होता है, जिससे क्या होता है कि स्टीम्स के थ्रू हम उसको प्रॉपरली उसे स्टीम स्टरलाइजेशन कर देते हैं. स्टीमिंग ब्लॉक इज ऑलवेज यूज टू कैन स्क्रबर टू फाइनल रिंसिंग ऑफ द स्टरलाइजेशन ऑफ वॉश्ड कैन. जो स्टीमिंग ब्लॉक होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो धुली हुई कैंस होती हैं उसमें हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए स्टरलाइजेशन के लिए उसको लगाते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टीमिंग ब्लॉक्स आर ब्लो द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द स्टीमिंग ब्लॉक इज मेड ऑफ द कास्ट आयरन मटेरियल एंड वर्किंग पार्ट इज स्टेनलेस स्टील. तो ये दो दो अलग अलग स्टील से बना होता है, कास्ट आयरन में वर्किंग पार्ट से स्टेनलेस स्टील से बना होता है. एट द बेस ऑफ द वाटर स्टीम लाइन आर कनेक्टेड थ्रू स्प्रिंग लोडेड वाल्व एंड द वाल्व आर ऑपरेटेड बाय द पेडल स्टिक लिवर. तो ये क्या होते हैं, इसमें जितने भी वार्म वाटर और वाटर के कनेक्शंस होते हैं वो पेडल स्टिक होते हैं, उन्हें हम पेडल से कनेक्शन और ऑपरेट कर सकते हैं. स्टीम मिक्सिंग बैटरी इज फिटेड इनसाइड द वर्टिकल कॉलम. तो एक बैटरी फिक्स होती है इसमें जो वर्टिकल कॉलम में फिक्स होती है. टॉप पोर्शन हैज बी कन्वे सरफेस ऑन विच अ स्प्रे नोजल ड्रेन होल एंड सीट रेसेट फॉर कैन माउथ आर प्रोवाइडेड. जो टॉप पोर्शन होता है वो क्या होता है कि स्प्रे नोजल होता है, ड्रेन होल होता है, ताकि इसमें से प्रॉपर मात्रा में ड्रेनेज हमारा वाटर होता है सीट. ठीक. नाउ यू कैन सी इन द फिगर फर्स्ट वन इज कैन स्क्रबर एंड सेकेंड वन इज कैन वॉशिंग एंड थर्ड वन इज कैन रिंसिंग एंड स्टीमिंग ब्लॉक, जिसमें हम कैन को स्टेलाइजेशन करते हैं. एंड फोर्थ वन इज ड्राइंग रैक, जिसमें हम कैंस को उल्टा रख के उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं. रोटरी कैन वॉशर. रोटरी कैन वॉशर हैज अ रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म विद अ होल्स ऑन विच द कैंस कैन बी प्लेस्ड इन अ इन्वर्टेड पोजिशन एज अ रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म मूव्स इंटरमीडिएटली द इन्वर्टेड कैंस जेटेड विद द वेरियस सॉल्यूशन इन द शोन इन द फिगर. तो यहाँ क्या होता है कि आपकी जो रोटरी कैन वॉशर है उसमें हम क्या करते हैं, मिल्क कैन से मिल्क को पलटने के बाद उसमें इन्वर्टेड उल्टा करके उसे रख देते हैं, ताकि उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस और वेरियस सॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ों से उसे प्रोसेस से गुजर कर ना पड़ता है. अंडर द प्लेटफॉर्म अ सीरीज ऑफ द टैंक्स कंटेनिंग वॉशिंग सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड एंड दीज सॉल्यूशंस आर बी फोर्स्ड एट अ हाई प्रेशर इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप थ्रू जेट प्लेस्ड ब्लो एंड द इनसाइड द कैंस द लिक्विड रिटर्न्स थ्रू द प्लेटफॉर्म ग्रेटिंग टू द रेस्पेक्टिव टैंक. ओके. तो यहाँ क्या होता है कि एक सीरीज में टैंक्स लगे होते हैं बहुत सारे, जिसमें हॉट वाटर, वार्म वाटर और सॉल्यूशन होता है, वॉशिंग सॉल्यूशन. तो इसमें हम बारी बारी से इसके जैसे ही कैंस इन टैंक्स के ऊपर से गुजरता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप उसे ऊपर की ओर जेट स्पीड से उसे ऊपर भेजता है पानी को और सॉल्यूशंस को, जो कि सीधे के सीधे उस कैन के अंदर जाके लगता है और उसे वॉश कर देता है, और बाकी का फिर ड्रेन होकर पानी वापस उस प्लेटफॉर्म पर आगे गिरता है, जो कि सीधे डायरेक्टली टैंक्स में वापस आ जाता है. द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस डिसेंडिंग साइमल्टेनियसली आर लोडिंग ऑफ द कैन वर्टिकल इन्वर्टेड पोजिशन, उल्टा करके कैंस को रखना है, रिंसिंग ऑफ द वार्म वाटर, गर्म पानी से उसे धुलना, ड्रेनिंग ऑफ द रिंस वाटर, उस पानी को बाहर निकालना, ट्रीटमेंट विद डिटर्जेंट सॉल्यूशन हाई प्रेशर 65-70 डिग्री. जो सॉल्यूशन होता है जो वॉशिंग सॉल्यूशन है उस पर हम 65-70 डिग्री तक के वार्म वाटर को रख देंगे. फिर ड्रेनेज ऑफ वार्म वॉश सॉल्यूशन बैक टू द ड्रेनेज टैंक, वापस से ही हमारा ड्रेनेज टैंक में वॉशिंग सॉल्यूशन जाएगा. देन रिंस विद द हॉट वाटर 65-70 डिग्री, ब्लास्टिंग विद ड्राई
सेचुरेटेड स्टीम, फिर हम क्या करते हैं उसमें स्टीम जेट पैक से उसे स्टीम कर देते हैं एंड ड्राइंग विद स्टीम कंडेंस इज अ हॉट एयर ब्लास्ट, उसमें फिर से एक हॉट एयर से उसे ड्राई करते हैं, देन हम उसको उल्टा करके एक जगह पे स्टैंड पे रख देते हैं। नाउ यू कैन सी इन द फिगर, फर्स्ट फिगर की फर्स्ट नंबर कैन इन्वर्टेड उल्टी होकर रखी गई है, देन वो आती है आपकी कोल्ड रेंज में, देन आगे उसमें हॉट रेंज, फिर उसके बाद उसमें लगता है स्टीम के उस स्टीम को, फिर उनको लास्ट पोजीशन में उनको सीधा करके आउट कर दिया जाता है कि उसे कैसे आउट रखना है। कैन वॉशर प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन, स्ट्रेट थ्रू द कैन वॉशर कैरीज द कैन थ्रू द वॉशर इन द स्ट्रेट लाइंस बाय द मीन्स ऑफ द कंटिन्यूसली मूविंग कन्वेयर ऑन द स्लाइड्स अलोंग विद द रेल एज अ मूव इंटरमीडिएट फ्रॉम द जेटिंग पोजिशंस टू द नेक्स्ट इन द ड्राइविंग यूनिट मूव्स द कैन फॉरवर्ड फ्रॉम द वन पोजिशन टू द नेक्स्ट इन द रेगुलर इंटरवल्स। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होती है एक सीरीज में, तो इसमें कैंस कंटिन्यूसली चलती रहती हैं जो कि बहुत सारी ऑपरेशन से होकर गुजरती है, जस्ट लाइक हॉट वार्म वाटर कोल्ड वाटर ऑपरेशन रिंसिंग एंड वॉशिंग सॉल्यूशन रिंसिंग ये सारे के सारे, फिर आपका स्टीम ब्लॉक से होकर गुजरती है जहाँ पर, और फिर हॉट एयर स्टीम से गुजरती है ताकि ये कैन को प्रॉपर वॉश करे। ड्रेनेज फर्स्ट इज ड्रेनेज बिफोर पासिंग द कैन, कैन वॉशर मिल्क कैन क्रीम एंड अदर फ्लूइड ड्रेन आउट बाय द प्लेसिंग द कैन इन्वर्टेड पोजीशन ओवर द ड्रिप पैन बिफोर द रिंस्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब मिल्क कैन को वॉशिंग करने से पहले हम प्रॉपरली मिल्क या क्रीम या कोई भी अदर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम उसमें प्रॉपर से उसे अपने दूसरे प्लेस में उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हम उसे वॉशिंग के लिए भेज सकें। प्री रिंसिंग क्या होती है बेसिकली कि इसको पहले हम वार्म वाटर या फिर कोल्ड वाटर से इसे वॉश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है 1 to 2 kg/cm² के प्रेशर से 3 to 6 मिनट के लिए इसमें मोटर से पानी को डाला जाता है ताकि प्रॉपर मात्रा में पानी बाहर आ सके। हॉट वाटर रिंसिंग 1, तो इसमें क्या होता है कैन जो होती हैं उसमें 65 to 70 degree वाटर को प्रेशर से अंदर डाला जाता है ताकि सारी की सारी इसको बाहर निकाले। कास्टिक रिंसिंग, इसमें क्या करते हैं हम एल्कलाइन सॉल्यूशंस को लेते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशंस लेके कास्टिक रिंसिंग में एल्कलाइन सॉल्यूशंस को लेकर मिक्स करके और फिर हम उसे वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। देन आफ्टर कास्टिक रिंसिंग हॉट वाटर रिंसिंग 2, कास्टिक से धुलने के बाद उनको फिर से एक बार गर्म पानी से धुला जाता है जिसका टेम्परेचर होता है 85 to 90 degree centigrade, ठीक है, और उस वाटर को फिर ड्रेन कर दिया जाता है उसके यूजेस के बाद। स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, स्टरलाइजेशन को हम क्या करते हैं ड्राई स्टीम से होकर गुजारते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम होती है, 5 से 10 सेकंड के लिए उस कैंस में हम उसमें स्टीम को रखते हैं, ठीक है। ड्राइंग क्या है, मेन पर्पस ऑफ द ड्राइंग इज प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल ड्यू टू द मॉइस्चर एंड चेक द बैक्टीरियल ग्रोथ। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली जो जंग होती है किसी भी प्रकार का कोरोजन नहीं आना चाहिए अगर ड्राइंग मॉइस्चर से कंटेंट कनेक्शन के बाद, और बैक्टीरियल ग्रोथ से रोकने के लिए हम उसे उल्टा करके सुखाने के लिए रख देते हैं। द ड्राइंग ऑपरेशन इज कम्प्लीट बिलो द जेट हॉट एयर 110 डिग्री सेंटीग्रेड